आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शाहिद इलियास को अल्पसंख्यक सभा का प्रदेश सचिव बनाया गया। शाहिद इलियास मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बेलथा रोड विधानसभा क्षेत्र के अतरोल ग्राम सभा के निवासी हैं। अल्पसंख्यक सभा में प्रदेश सचिव बनने के बाद हमारी संवाददाता मोहम्मद सुफियान से बातचीत करते हुए सपा के वरिष्ठ नेता शाहिद इलियास ने भाजपा पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। आदाब, नमस्कार, मैं सुफियान और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बेलथरा रोड विधानसभा क्षेत्र के अतरोल ग्राम सभा में, और हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता। और समाजवादी पार्टी में इन्होंने बहुत दिनों से लग करके संघर्ष करके चले आ रहे हैं, जिनका नाम शाहिद इलियास है, और समाजवादी पार्टी में इनको अल्पसंख्यक सभा जैसे यूनिट में इनको प्रदेश सचिव बना दिया गया है। और प्रदेश सचिव बनने के बाद ये अपने बलिया जनपद गिरी जनपद लौटे हैं लखनऊ से, तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अब इनको पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो किस तरीके से इस जिम्मेदारी को ये निभाते हैं। और इनके सर पे आने वाले समय में देखा जाए तो लोकसभा का चुनाव भी करीब है, तो किस तरीके से पार्टी के मिशन को आगे ले जाने का काम करेंगे। हम ले चलते हैं शाहिद इलियास जी के पास और इनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद इलियास, समाजवादी सभा का सचिव। सबसे बड़ा सवाल आपसे ये है कि अभी आपको समाजवादी पार्टी में प्रदेश सचिव बना दिया गया है और एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद अब आपके सर पे लोकसभा का चुनाव भी है, तो आप किस तरीके से इस जिम्मेदारी को निभाएंगे थोड़ा बुलंद आवाज में? जहाँ तक जिम्मेदारी का सवाल है, मैं सर 1992 से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार स्वर्गीय साधारण अंचल जी के साथ हिंद में हम लोग संघर्ष करते रहे हैं और पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। इसी क्रम में मैं 1995 में BDC का चुनाव लड़ा और चुनाव अच्छे मतों से जीता। मन मेरा था प्रमुख का चुनाव लड़ने का, लेकिन सीट मेरी आरक्षित हो गई महिला के लिए। मेरे साथियों ने, खासतौर से मेरे मित्र अध्याशंकर यादव ने कहा कि राजनीति बने रहना जरूरी है, इसलिए आप ज्येष्ठ प्रमुख का चुनाव लड़े। हमें चुनाव लड़ा, पहले बार कोई मुसलमान यहाँ खुलेआम में ब्लॉक के चुनाव में उप प्रमुख या प्रमुख के लिए चुनाव लड़ा था। मैं लड़ा, बहुत जद्दोजहद के बाद मैं चुनाव जीता और 5 साल तक लगातार संघर्ष करता रहा। और क्षेत्र में, पूरे ब्लॉक में ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में तो मैंने एक्सेस नहीं किया हो, सड़क खड़ंजा नाली से जोड़ा ना हो। इस तरह से राजनीति में मेरी एक अच्छी पहचान हो गई, लोग मुझसे जुड़ते चले गए। अच्छा, आपसे एक सवाल है, जिस तरीके से देखा जाए अक्सर आप फेसबुक पे और सोशल साइट पे एक्टिव रहते हैं, पार्टी के मिशन को लेकर के लिखना पढ़ना आपका लगातार जारी रहता है। अभी आप एक पसमंदा मुसलमान को लेकर के ट्वीट किया था फेसबुक पे, उसके बारे में बताएं। देखिए, आज क्योंकि युग है फेसबुक का, सारे लोग फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, इसलिए उस पर एक्टिव रहना इसलिए ज़रूरी रहता है ताकि लोग हमारी बात सुन सकें, समझ सकें। मैं इसलिए एक्टिव रहता हूँ और पार्टी के कार्यक्रम उसी पर चलाता रहता हूँ। जहाँ तक पसमांदा मुसलमान का सवाल है, ये भाजपा की सोची समझी रणनीति है, मुसलमानों को दो भाग में बांटने का। मैं समझता हूँ कि पसमांदा मुसलमान नहीं, सब सिर्फ मुसलमान है, क्योंकि सब कलमा गो हैं, सबका एक ही कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसा कुछ नहीं है कि पसमांदा मुसलमान कोई अलग कलमा पढ़ते हों और अन्य मुसलमान कोई और कलमा पढ़ते हैं। ये फूट डालो, जैसे अंग्रेजों का था फूट डालो राज करो, उसी तरह भाजपा ने फूट डालो राज करो का कार्यक्रम चलाया, लेकिन ये मुस्लिम कौम है। लास्ट टाइम इनको मस्जिद में जाना है, 5 वक्त मस्जिद में जाना है, 5 वक्त इकट्ठा होना है और सारी रणनीति वहाँ फेल हो जाती है।
क्योंकि सब गले मिलते हैं, सब बात करते हैं और सब जानते हैं। हमारा इमाम जो होता है, कभी किसी ने नहीं पूछा अपने इमाम से कि आप किस बिरादरी के हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जो हाफिज़ कुरान होता है, जो मौलवी मौलाना होता है, मस्जिदों में नमाज वही पढ़ाते हैं, बच्चों को तालीम कुरान शरीफ की वही देते हैं। जब हमारा सबसे अव्वल अफजल काम नमाज पढ़ाने का, अरबी या कुरान शरीफ की तालीम देने का, वो मुसलमान करता है जो उसका तालिब इल्म होता है, जिसको इसकी जानकारी होती है, हाफिज कुरान जो होता है। कभी आज तक किसी ने नहीं पूछा ये मौलवी साहब जो आप नमाज पढ़ा रहे हैं किस बिरादरी के हैं, और उनके पीछे जो इमाम होते हैं सारे लोग, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सब नमाज पढ़ते हैं। तो अमीर तो हमारा वही हुआ जो हमारा इमाम है, जो हमसे अफजल कौन है जिसके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं। ये सोच सिर्फ हमें बांटने के लिए है और कोई बात नहीं। अच्छा, आपसे एक और सवाल है। अभी आपको समाजवादी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, प्रदेश सचिव बना दिया गया। तो प्रदेश सचिव बनने के बाद जब आप बलिया आए, अपने गृह जनपद लौटे, अब अगला मिशन आपका क्या होगा? 24 का चुनाव भी आपके सामने, अभी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के घोसी में उपचुनाव भी चल रहा है, आप वहाँ दौरा भी किए कल जा करके, तो आपको क्या लग रहा है कि इतनी बड़ी चुनौतियों में आपको इतना बड़ी जिम्मेदारी मिला है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता होता है, लेकिन उसका दिल और दिमाग, जो समाजवादी पार्टी की सोच है, वो माइनॉरिटी को लेकर के सकारात्मक है। समाजवादी पार्टी जो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि मुसलमान हमारा एक अहम हिस्सा है, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आहद है कि हम जा करके अपने लोगों को ये समझाएं कि पार्टी आपके लिए क्या क्या करती है। देखिए, पिछली सरकार में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब जब मौका मिला उन्होंने मुसलमानों को रोजी रोटी से जोड़ा। आप देख रहे होंगे आज हर स्कूल में या हर ऑफिसों में उर्दू अनुवादक, उर्दू टीचर रखे गए। ये समाजवादी पार्टी की देन है। हमारे नेता जाते हैं, बात करते हैं, लेकिन हम लोगों के तक ये बात पहुंचा नहीं पाते हैं। हमारा पहला काम यह है कि हम लोगों तक जाएं, अपने लोगों के बीच जा करके, और ये बात उन्हें बताएंगे कि देखिए, समाजवादी पार्टी ने आपके लिए कौन कौन सा काम किया है और आगे भविष्य में क्या क्या करने वाली है। जब हर परिवार का एक बच्चा सरकारी नौकरी में जाएगा, दो बच्चा सरकारी नौकरी में जाएगा, हमारे लोगों में शिक्षा का अभाव है। जब हम शिक्षा से जुड़ेंगे और शिक्षा पाएंगे, जाहिर सी बात है कि हम नौकरी भी पाएंगे। नौकरी कब मिलेगी? जब समाजवादी सरकार आएगी। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है, और साथ में सारे मुसलमानों का ये दायित्व है कि वो हर हाल में समाजवादी सरकार बनाने की कोशिश करें। एक बात आप जानते हैं कि 60-70% मुसलमान हर हाल में समाजवादी पार्टी के साथ रहता है। हमें उस परसेंटेज को बढ़ाना है। अच्छा, अगर देखा जाए विधानसभा घोसी में आप गए भी थे, तो वहाँ का क्या माहौल है? क्या दारा सिंह चौहान जो समाजवादी पार्टी में थे, अभी वो दल बदल करके फिर भाजपा में चले गए, फिर वहाँ चुनाव हो रहा है, और आपके प्रत्याशी सुधाकर सिंह जो पूर्व विधायक रह चुके हैं घोसी से, फिर मैदान में नहीं हो पाए, तो आपको क्या लग रहा है कि इस चुनाव में आपकी पार्टी को कामयाबी मिलेगी? एकदम 100% मिलेगी। सुधाकर सिंह अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि दारा सिंह चौहान पे पूरी जनता ये कह रही है कि दल बदली। आखिर आवश्यकता क्या थी उनको इस्तीफा देने की? विधायक तो थे ही। वो ईडी से अपने जो गलत तरीके से कमाया गया पैसा, उसको बचाने के लिए भाजपा में चले गए हैं, ताकि भाजपा उनके ऊपर दबाव न बनाने पाए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बागी बलिया के लाल शाहिद इलियास जी बात कर रहे थे, जो अभी समाजवादी पार्टी में अल्पसंख्यक यूनिट में प्रदेश सचिव बनाए गए, मनोनीत किए गए हैं।
और हमारी इनसे बात हो रही थी, तमाम मुद्दों पे हमने बात किया, अब चलने का वक्त हो गया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।